का पहले ही मैं बोल दूँ, मैं कोई कॉन्करर प्लेयर नहीं हूँ, मैं एक सीधा साधा एस प्लेयर हूँ। बट गाइज मेरा फुल वीडियो देखना, मैं जानता हूँ आपको इसमें से कुछ हेल्प मिलेगा। सो हेलो गाइज, कहो सर आपका स्वागत है साकिल जोशी बन गेमर पर। सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं आप कॉन्करर कैसे आए। सो गाइज पहले ही मैं बताया था मैं कोई कॉन्करर प्लेयर नहीं हूँ, ना मैं कहीं कॉन्करर गया हूँ, एस तक ही गया हूँ। बट गाइज प्लीज़ ये वीडियो एक बार देख लो, आपकी हेल्प हो सकती है। सो गाइज पहले मैं बताता हूँ आपको, ये स्क्वाड वाले को कॉन्करर जाने के लिए नहीं है, स्क्वाड वाले को कॉन्करर जाने के लिए उसको एक टीम बनाना पड़ता है। चार बंदे खोजते पड़ते, जैसे एक स्नाइपर होगा, एक एसोल्ट राइफल होगा, एक पुश करेगा, मतलब एक जो है पुश करेगा, रश करेगा, ऐसा कुछ। बट सोलो में या डुओ में एक ही बंदा मिलता है, एक ही बंदा खोजना तो आसानी होता है, और सोलो में तो आप खुद ही हो। सो मेरा कोई अच्छी स्क्वाड नहीं है। सो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट सीजन में सोलो रैंक पुश करूँगा। सो कोई सोलो रैंक पुश के बेनिफिट सुन लो, आप सीजन में जाओ पे जो रैंक लिखा है इस पे जाओ एक सीजन। रुको गाइस मैं आपको पहले एक बेसिक चीज़ दिखा रहा हूँ, वेट गाइस इधर गया, फिर मैं वेट रिवॉर्ड्स पे गया। अब देखो इधर नीचे देखो लिखा है एस में 4200 पॉइंट, कॉन्करर में भी 4200 पॉइंट। सो इसका फंडा क्या है? सो मैं आपको समझाता हूँ। एस में भी आप 4200 पॉइंट पे एस जाओगे, और कॉन्करर पे भी 4200 पर आप कॉन्करर जाओगे। सो गाइस इसका ये फंडा है, रुको मैं सीजन में जाता हूँ, फिर इधर रैंक में जाता हूँ, फिर इधर करता हूँ सोलो एशिया। अब गाइस जो लास्ट में देखो इधर है 4843 पॉइंट्स, ठीक है। सोच लो इधर जितने भी कॉन्करर के प्लेयर है कोई नहीं है इधर। आप 4200 पॉइंट पे ही कॉन्करर पहुंच जाओगे। बट गाइस इधर एक कॉम्पिटिशन लगा है, सिर्फ 500 बंदे ही कॉन्करर आ सकते हैं सोलो पर, डुओ पर, स्क्वाड पे, हर अलग अलग है, सिर्फ 500 ही बंदे। इधर जो लास्ट बंदा है इसका कुछ है 4843 पॉइंट्स गाइस। अगर आप इस पर 200 माइनस करो, अभी भी 400 बंदे बाकी है। सो गाइस इसमें से 200 माइनस करो तो 4600 पॉइंट। सो गाइस आपका कुछ हो गया एस 4 स्टार। एस जब भी आप 4 स्टार जाओगे, 4 स्टार के थोड़ा पॉइंट बढ़ाओगे, तभी आप 16 में कॉन्करर पहुंच जाओगे। और आप गाइस डो में देखो वो बहुत इजी है एस 4 स्टार करना, मतलब स्क्वाड से इजी है। इधर 5000 है इजिकल टू, मतलब जो हुआ 200 माइनस करो तो 4800, और तो आपका इधर कुछ मतलब 6 स्टार ऐसा करना पड़ेगा तो आप कॉन्करर पहुंच जाओगे। उधर 4 स्टार है तो आपको और एक अच्छा बंदा ढूंढना पड़ेगा, और स्क्वाड में तो कुछ अलग ही, मतलब ये बचेगा क्या बोलते हैं, स्क्वाड में देखो गाइस, ये देखो स्क्वाड में देखो 6656 पॉइंट। इसे आपको बहुत ज़्यादा स्टार करना पड़ेगा, ये तो बहुत मुश्किल है, कहीं कोई 16-15 स्टार करना पड़ेगा। सो गाइस बेस्ट होगा मेरे लिए सोलो। सो गाइस मैं कोई कॉन्करर का प्लेयर नहीं हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट सीजन में सोलो पुश करूँगा, क्योंकि एस 5 स्टार से 4 स्टार करना मतलब स्क्वाड से बहुत ईजी है, मतलब स्क्वाड में नहीं होगा 16 स्टार भाई, बहुत मुश्किल है, आपको एक अच्छा स्क्वाड बनाना पड़ेगा। सो गाइस मैं क्या बोलता हूँ, आपके पास अगर स्क्वाड नहीं है ना, आप सोलो या फिर डुओ, सोलो आपके लिए बोरिंग लगेगा, डुओ एक आप अच्छा दोस्त जुगाड़ करो, फिर उसको भी बोलो ऐसे कॉन्करर के बारे में, फिर आप अपना दोनों मिलकर कॉन्करर पुश करो, सो आप इजीली कॉन्करर पहुँच जाओगे गाइस। सो ये है कुछ कॉन्करर के टिप्स गाइस, सोलो में कितने कम स्टार लगते हैं आप लोगों ने देख लिया। सो मैं क्या बोलता हूँ आप लोग सोलो पुश करो, सोलो पुश आप लोगों के लिए बेस्ट होगा, स्क्वाड से अच्छा सोलो होगा आपके लिए गाइस। सो मैं नेक्स्ट सीजन गाइस कॉन्करर पुश करूँगा सोलो पर, उसका डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे रेगुलर मेरे चैनल पे वीडियो आएगा गाइस, आप लोग को रेगुलर वीडियो देखने को मेरे को सपोर्ट देना होगा गाइस। सो मैं पहले से ही बोल दिया सीजन 14 आएगा, और फर्स्ट डे से ही डे 1 डे 2 डे 3 ऐसा करके कॉन्करर पुशिंग का वीडियो आएगा गाइस, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट देना, प्लीज़ देखना गाइस, तो मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा। तो कुछ यही था, देखो आप भी करो कॉन्करर पुश अपने एक दोस्त जुगाड़ करके डुओ पर या फिर सोलो पर अकेला ही कर लो। और गाइस लास्ट में बहुत लोगों का
कुछ नहीं रहता है कि कॉन्करर कैसे जाए भाई, रस खेल के या सेप खेल के या क्या कैम करे, कैसे कॉन्करर जाए भाई। भाई एक कॉन्करर डिपेंड करते आपके ऊपर गाइस। सो आप मतलब मैं क्या बोलता हूँ, कैम मतलब आपके ऊपर। आप अगर रस खेल के जिंदा रह सकते हो तो रस लो, और अगर रस नहीं खेल सकते, कॉन्करर सिर्फ जाना ही है आपको फ्रेम और टाइटल के लिए, तो आप सेप खेलो गाइस। और मतलब आप और एक बात, एक पॉइंट, मेन पॉइंट मतलब ये भी बताना चाहता हूँ कि कॉन्क्रीट जाने के लिए गाइस ज़्यादातर बंदे 80% लोग कॉन्क्रीट कोई भी रश खेल के नहीं आता। कॉन्क्रीट में कैम नहीं होता, कॉन्क्रीट में जो होता है होल्ड होता है, क्योंकि अगर आप उधर 40-30 पे भी मर जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा माइनस रहेगा। और गाइस मेरा कॉन्क्रीट पुशिंग डे 1 डे 2 से 14 में वो वीडियो सपोर्ट करना गाइस। सो बाय। सो गाइस यही था मेरा आज का वीडियो। सो गाइस आप, मुझे को पता है आप ये देख के कुछ सीखे हो गए। सो मैं कोई कॉन्क्रीट का प्लेयर नहीं, पहले ही बोल रहा हूँ, बट ये देख के आपको सीखे हो गए। अगर कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्त को भी शेयर करना कि ओके से कॉन्क्रीट पुश करें। तो गाइस इनको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही हमारा वीडियो देखने के लिए डे 1 डे 2 कॉन्क्रीट पुशिंग वो वाला वीडियो मेरे को सपोर्ट देना। सो बाय गाइस।